नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज। मैं हूं विमल। आइए बात करते हैं सीहोर जिले की प्रमुख खबरों की। पूरे प्रदेश में आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सीहोर में यह आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इसमें सीहोर के स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहीं पर जोर न लगाए, श्वास को न रोके, नियमित रूप से चलता रहे, बाएं से भरे, बाएं से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े, दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे, जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास। आज सुबह इंग्लिश पुरे में उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला जब बड़ी संख्या में यूथ क्लब के सदस्यों और नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक साथ संयुक्त से शहर को स्वच्छ रखने के लिए हाथों में झाड़ू थामकर क्षेत्र की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारी भी साथ थे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक राठौर, राम प्रकाश चौधरी, दीपक देवगढ़े, स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्र के दरोगा छुट्टन चावरिया सहित अन्य लोगों ने यूथ क्लब के साथ साफ सफाई अभियान चलाया। ये रोड बहुत ज्यादा उपयोगिता वाला हो गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश अनुसार परिवहन विभाग ने की विशेष कार्यवाही। परिवहन विभाग ने बकायेदारों पर कसा शिकंजा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश अनुसार सीहोर परिवहन विभाग के द्वारा विशेष कार्रवाई की गई, जिसमें बकायेदारों पर शिकंजा कसा और वाहनों के दस्तावेजों की जांच की, साथ ही ओवरलोड वाहनों पर चलानी कार्रवाई की गई। रविवार को परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के द्वारा इंदौर रोड ग्राम पाड़ा गांव मुख्य मार्ग पर शासकीय अमले के साथ पहुंचकर वाहनों की जांच की गई और जो वाहन नियम विरुद्ध पाए गए उन वाहनों पर चलानी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की इस अचानक कार्रवाई से वाहन चालकों पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश अनुसार राज्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी 31 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें हम सीहोर जिले का आवंटित राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर सकें। क्या कार्रवाई सर अभी चल रही है? अभी हमने राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार विशेष कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वाहनों पर बकाया वसूली के विषय में कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं, ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उन पर हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? ये निरंतर मार्च 31 तक जारी रहेगी, जिससे कि हम सीहोर जिले का आवंटित राजस्व लक्ष्य उसको हम प्राप्त कर सकें। शहर के युवाओं ने मानवीय सेवा के लिए संडे का सुकून नाम की संस्था बनाकर हर रविवार अनूठे कार्य करते हैं। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 10 सदस्य टीम के द्वारा प्रारंभ किया गया संडे का सुकून आज 55 लोगों के सदस्य के रूप में एक बड़ा समूह बन गया है, जिसकी शहर भर में बड़ाई एवं सम्मान के पात्र बने हुए हैं, क्योंकि इनकी कार्य की सराहनीय पहल को शहर भर में तारीफ मिल रही है। आज भी संडे का सुकून टीम ने हॉस्पिटल परिसर में मरीजों के साथ आए परिजनों को भरपेट भोजन करवाया। ये लोग अपने हाथों से खाना बनाते हैं और खुद ही बिना प्लास्टिक के उपयोग के थाली, गिलास और चम्मच से गरीबों को खाना खिलाते हैं और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पूरे आयोजन या खर्च का वे ये सब मिलकर आपस में ही खर्च करते हैं। इस पूरी टीम में महिला सदस्यों के द्वारा भी पूरे काम में हाथ बटाया जाता है। नंबर लिया
अभी बंद है? हम लोग पहले एक आर्टिफिशियल संडे मनाते थे, एक आर्टिफिशियल रौनक में रहते थे, लेकिन जब हम एक दिन हॉस्पिटल आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मरीज़ हैं वहाँ पे परेशान होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उनको तो भोजन मिल जाता है रोगी कल्याण से, लेकिन जो उनके अटेंडर हैं उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने, सभी टीम ने ये कोशिश की कि हम लोग अब यहाँ आके जो अटेंडर हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करें। कितने लोग हैं आपकी इस पूरी टीम में शामिल? हमारी पूरी टीम में 55 लोग शामिल हैं, जिसमें सभी क्षेत्र से आए हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं, ये सब लोग इस तरीके से। हमारी और भी तरोताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें WhatsApp पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9300635969। अब मैं अभी इतना ही, आप बने रहिए सीओ लाइव 24 के साथ।